Next we'll see Fourth law for simple harmonic motion, or else we can say we'll obtain the equation of force acting on a simple harmonic oscillator and relation for its frequency and periodic time. So we'll start with Newton's second law. We know that Newton's second law gives us this F is equals to mass into acceleration. This is the value of force given by Newton's second law. But we also know that acceleration of our oscillator is given by minus omega square y. अभी हमने derive किया है आगे, right? तो इसको जब हम substitute कर देंगे तो फिर मुझे force की कुछ इस तरीके की value मिल जाएगी. और ये अगर आपको याद हो तो 9th chapter में हमने पढ़ा था Hooke's law, right? F is equals to minus k x के terms में पढ़ा होगा. Whether it is x or y, वो है displacement. तो ये Hooke's law जैसा एक equation हमको मिल जाता है यहाँ पर. So now from this, what we can say, हमने यहाँ पर ये k substitute किया है. k किसके लिए हमने substitute किया? Instead of this, m omega square, we substituted here k. So k की क्या value हो जाती है? m omega square. अगर हम spring के लिए बात करते हैं तो इसको spring constant बोलते हैं, या तो हम इसको force constant भी बोल सकते हैं. तो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू हमको मिल जाती है m ओमेगा स्क्वायर, जिसमें से m था मास ऑफ ऑसिलेटर एंड ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशंस. सो अगर मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है तो हम ओमेगा को सब्जेक्ट बनाएंगे. सो आई विल गेट रूट के बाई एम. यहां स्क्वायर था ना, सो अगर यहां का स्क्वायर हटाना है मुझे तो यहां क्या करना पड़ेगा? पावर में हाफ से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो वो क्या दे देगा मुझे? स्क्वायर रूट दे देगा. नाउ सी, ये तो एक फॉर्मूला मुझे मिला एंगुलर फ्रीक्वेंसी का. बट इसके पहले जब हम डेफिनेशंस देख रहे थे वहां हमने देखा था कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है. इट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी इनटू लीनियर फ्रीक्वेंसी, राइट? सो अगर ये इक्वेशन मैं यूज करूं तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, इसमें से फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट बनाओ. सो इट विल गिव मी ओमेगा अपॉन 2 पाई. ये 2 पाई को यहां हमने नीचे ले लिया है, बट ओमेगा की वैल्यू तो हम यहां ऑब्टेन कर चुके थे तो वो इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट के बाई एम है. सो 1 अपॉन 2 पाई एज इट इज, एंड इंस्टेड ऑफ दिस ओमेगा वी आर राइटिंग रूट के बाई एम. तो ये फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन मिल जाता है. सो दिस इज एक्चुअली फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. अब पीरियोडिक टाइम ऑब्टेन करते हैं. तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाती है तो आप पीरियोडिक टाइम इजीली ऑब्टेन कर सकते हो, बिकॉज पीरियोडिक टाइम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ होता है. ये आपने 9th में भी पढ़ा है, राइट? सो अगर आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो पीरियोडिक टाइम ऑब्टेन कर सकते हैं. अगर पीरियोडिक टाइम मिल जाए तो यू कैन ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी. सो नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन पीरियोडिक टाइम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ, सो इट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ दिस इक्वेशन. सो ये 2 पाई ऊपर चला जाएगा और यहां पर m ऊपर चला जाएगा एंड k विल कम इन डिनोमिनेटर. नाउ इफ यू सी दिस इक्वेशन देन 2 पाई इज अ कांस्टेंट, दिस k इज अ कांस्टेंट, द ओनली वेरिएबल इज मास ऑफ द SHO. सो आई कैन से दैट पीरियोडिक टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ ऑसिलेटर. सो फ्रॉम दिस व्हाट आई कैन से, इफ मास ऑफ द ऑसिलेटर इज बिग, अगर हम एक पेंडुलम यूज करते हैं तो पेंडुलम में जो मेटल का बॉल हम यूज करेंगे, इफ इट इज ऑफ लार्ज मास तो क्या हो जाएगा? पीरियोडिक टाइम ऑल्सो विल बी मोर. पीरियोडिक टाइम ज्यादा है का मतलब क्या होता है? कि ऑसिलेटर को ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लगता है. अगर उसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लगता है, इसका मतलब क्या हुआ? ऑसिलेशन विल बी वेरी स्लो. फ्रॉम दिस वेरी सेम इक्वेशन आई कैन ऑल्सो से दैट T इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू फोर्स कॉन्स्टेंट. तो ये अगर पेंडुलम की बात करें तो हम मास के साथ रिलेशन देखते हैं पीरियोडिक टाइम का. बट अगर हम स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग के अंदर जो वर्टिकल ऑसिलेशन होते हैं, प्रैक्टिकल भी है आपका, राइट? हमने फोर्स कॉन्स्टेंट ऑफ स्प्रिंग ढूंढा है इन द प्रैक्टिकल. सो अगर वैसी स्प्रिंग की बात हम करें तो पीरियोडिक टाइम इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ के. इसका क्या मतलब होता है? फोर्स कांस्टेंट से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीरियोडिक टाइम. अगर फोर्स कांस्टेंट बड़ा होता है ना, मतलब कि जब स्प्रिंग हार्ड होती है तो उसका जो फोर्स कांस्टेंट है वो भी बड़ा होता है. अगर फोर्स कांस्टेंट बड़ा होता है तो पीरियोडिक टाइम विल बी स्मॉलर, मतलब टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन. ये स्प्रिंग ऐसे वाइब्रेट करती थी, आपने जब मास लगाया था तो स्प्रिंग ऐसे ऊपर नीचे वर्टिकल ऑसिलेशन कर रही थी. सो इफ पीरियोडिक टाइम इज वेरी स्मॉल,
तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का जो टाइम है वो बहुत ही कम होता है। और अगर जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का टाइम कम होगा तो हमें वो ऑसिलेशंस कैसे दिखेंगे, बहुत ही फास्ट दिखेंगे।